एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं घर वापस आ गई और बस फटाफट से रेडी होना है, कपड़े लिया और पहुंच गई बाथरूम। एंड उसके बाद चेंज करूँगी, थोड़ा सा फ्रेश होंगी, तो फटाफट करती हूँ लॉक और लग जाती हूँ काम पर। तो मैंने कर लिया है लॉक एंड अब थोड़ा सा हैंड वॉश विश वॉश सब कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ और शक्ल पे देख ले किस तरह से 12 बजे है, क्योंकि ये मॉर्निंग का नहीं इवनिंग का टाइम है, और इवनिंग के टाइम पे इस तरह से 12 बज रहे हैं शक्ल पे। इतना थक गई थी, फिर फटाफट से लिपस्टिक लगाई एंड फ्रेश फील होने लगा। तो चले अब यहाँ से मूव करते हैं और बाहर जाते हैं, बाहर कुछ खाएंगे पियेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पर जा रहे हैं, तो ब्लॉग में दिखाऊंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है और सब कुछ कैप्चर किया है, बट पार्ट वाइज डालूंगी। तो ये फीलिंग दे रहा है मॉर्निंग की, बट ये मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, आपको 2 सेकेंड में क्लियर हो जाएगा जब ये लाइट ऑन होगी। एग्जैक्टली, तो ये इवनिंग का टाइम है और हम पहुंच गए लिफ्ट में। लिफ्ट से बाहर निकलेंगे और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, सामने देख लें तो यहाँ से रोड है मेन आलमबाग बस स्टैंड की। तो फटाफट से पहले पेट पूजा फिर कामधूजा, हमेशा जैसे कहती हूँ मैं। तो मैंने लंच किया नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं था और टाइम भी नहीं था। तो फटाफट से हम पहुंच गए पास के ही शॉप पर, जहां पर फास्ट फूड और बहुत ही टेस्टी टेस्टी यमी यमी समोसे और कुलचे और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम पहुंच गए और हमने लिया है टोकन फटाफट से समोसे का और बताशे का। तो पहले खाएंगे और खाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट से खा लिया एंड अब पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। तो पैर को कोई तकलीफें देना नहीं चाहता और लिफ्ट का हो रहा है वेट, तो मैंने तो कहा चलो सीढ़ियों से चल लेते हैं, बट क्या करे, आलसी इंसान किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो फिर फाइनली लिफ्ट से पहुंच गए हैं आलमबाग बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से लेंगे टोकन और टोकन लेके कहाँ जा रहे हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, ठीक है? तो व्लॉग पूरा देखना, और अगर आप लखनऊ हो या लखनऊ जा रहे हो तो ये बेस्ट प्लेस होगा बच्चों के लिए, आपके लिए, कोई स्पेशली बच्चों के लिए नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस। आप अपने बचपने को याद कर पाओगे एंड जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, शायद आपको कहीं भी ना मिले, तो वो एन्जॉयमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। और हमारे पहुंचते ही मेट्रो चली गई थी, जैसे ही हमने एंट्री करी और उसके बाद मेट्रो चली गई। तो अफसोस की बात है कि बस अब हम वेट करेंगे 5 मिनट और, क्योंकि लखनऊ की मेट्रो उतनी ज़्यादा रश नहीं होती, तो बहुत आराम आराम से आती है। तो दिल्ली में हर एक मिनट में, हर 30 सेकंड पे भी आ जाती है कभी कभी। तो देख ले शक्ल पे 12 वैसे भी बजे थे और 12 बज गए, बट कोई नहीं, एक्सप्लोर कर रही। तो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के पहले आपको, मतलब एंट्री देने के पहले आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप आतंकवादी हो कि नहीं, जो कि मुझे हमेशा से दिल्ली में 3 महीने से सुनने मिल रहा है कि पहले प्रूफ कर दूँ आतंकवादी नहीं हूँ। तो मैंने भी प्रूफ कर दिया और ये लखनऊ का टोकन है, दिल्ली का बिल्कुल डिफरेंट है। दिल्ली जाऊँगी तो दिल्ली का दिखा दूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं फन जोन में, एकदम थके हारे आए थे, शक्ल तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो अब थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे और बहुत मस्तियाँ करने वाले हैं, बहुत टाइम बर्बाद हुआ है। सोचा था कि बहुत इन्जॉय करेंगे बट इन्जॉय ज़्यादा नहीं कर पाए, काम ज़्यादा था। तो फाइनली अब जा रहे हैं इन्जॉयमेंट के लिए एंड आपने मैप वैप भी यहाँ पे आराम से देखने मिल जाता है। और ये है आलमबाग बस स्टैंड, ये देखो, फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी तो क्या ही दिखेगा क्योंकि मेरा बैक कैमरा बहुत बेकार है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैप कहाँ पर कहाँ जाती है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और देख लें ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। एयरपोर्ट इसका लास्ट स्टॉपेज है, बहुत छोटा सा मेट्रो स्टेशन है। तो दिल्ली का तो एकदम जाल है, वो समझना बहुत ही मुश्किल है। फाइन, यहाँ पे एकदम इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत इजी रूट होता है, तो आराम से जा सकते हो आप। हो सकता है यहाँ लखनऊ का भी कोई एप्लीकेशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर होगा और मुझे नॉलेज, क्योंकि मुझे यहाँ रहना नहीं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को जैसे ही पता लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो मुझे तो 2 ही दिन आना था बट अभी हम जा रहे हैं। और चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगी वरना लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो ब्लॉग एंड तक देखना। चलो अभी चलते हैं। इसकी ये लखनऊ का इतना सुकून वाला प्लेटफॉर्म है, देख लें ये पूरा खाली है, बट दिल्ली में आपको क्या ही बताऊँ, इतना रश कि आप इरीटेट हो जाओगे। और एक और मेट्रो आ रही है बट हमारे रूट की नहीं आ रही है, तो फ्री हूँ तो यही करूँगी क्योंकि वैसे भी
तो इन जनाब को भी देख लिया, आई थिंक हमारी भी आ ही रही है। हाँ तो दोनों एक साथ आ रही है, इधर ये वाली आ गई है, इधर से भी आ रही है। एंड अब हमें भी जाना होगा, बस स्टैंड से पहुँचे बैठे थे एंड आ गए हैं ट्रांसपोर्ट नगर। यार लोकेशन अच्छी है, सोच रही फोटो वोटो क्लिक कर लूँ। है लोकेशन ट्रांसपोर्ट नगर की एंड हम बैठे थे आलमबाग बस स्टैंड से। क्या हुआ है हमारे साथ कि हमें जहाँ जाना है ना वो शायद आज बंद है, तो पूरा दिन ही ख़राब है, पूरी ज़िंदगी झंड है। और एक और चीज़ अभी हुई है, मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, एक भैया मेरे सामने से आ रहे थे, बताऊँ उनको मेरी बगल से जानता था, बट वो ऐसे आके कट मार के गए, बड़ा मज़ा आया मेरे को कि यार कोई तो अंडरस्टैंडिंग है जिसे समझ में आ रहा है कि ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तो बाकी सबको तो फिजूल ही लगता है। तो यहाँ पे शांति से खड़ी मैं, चलो लगता आ गई है। ट्रांसपोर्ट नगर से बाहर निकल के 250 मीटर पे बता रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम वॉक करके जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं ओपन है या बंद है या पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, सब दिखाऊंगी ठीक है ब्लॉग में। और देखिए रोड कितनी शांत है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है लखनऊ की शांत रोड, और नाइट में वॉक करना बहुत 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 पसंद है। और देखें यहाँ पर टी शर्ट की सेल लगी है, 249 की टी शर्ट पर टी शर्ट, यहाँ पर भी अच्छे खासे कपड़े मिलते हैं, दिल्ली के कंपेयर में तो शायद नहीं, पता नहीं, मैंने कभी ख़रीदा नहीं है सेल वाला। तो चलो लिखा है पढ़े एस के ओ डी ए सकोड़ा, तो मुझे कि कोई ऐसे बोलता था पहले सकोड़े जैसा मुंह मत बनाओ, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। चलो अभी हम पहुंचने वाले हैं, फटाफट से निकलते हैं। फाइनली सो फाइनली हम पहुंच गए जहां पर हमें जाना था। कैसे दिखाओ, ऐसे देख लो। So now we entered and have been